हेलो एवरीवन। तो भाई बहुत दिनों से निकला नहीं था बाहर यार, आज बड़े टाइम बाद जो है घूमने का मौका मिल रहा है। तो देखो लखनऊ में एक अवध महोत्सव ऑर्गेनाइज हुआ है, तो 15 तारीख से हो चुका है, अब ये चलेगा 1st of December तक। वैसे एक्सटेंड होता रहता है लेकिन अब देखते हैं कि कब तक चलता है। वैसे तो ये एक्सटेंड होते हैं तो अब देख लेते हो भाई, टाइम तो कम ही है, तो थोड़ा बहुत देखते हैं क्या क्या लगा हुआ है। झूले वूले हैं बच्चों के लिए, फैमिली लेके आप जा सकते हो, तो जो लोग लखनऊ में रहते हैं वो तो आराम से जा सकते हैं। तो भाई शहीद पथ पता होगा, वहाँ पे मेदांता हॉस्पिटल है, उसके बगल में ही है, बगल मतलब उसी लेन में, उससे थोड़ा आगे। तो चलो भाई बातें कम और एंटरटेनमेंट ज़्यादा। भाई पीछे मेरे देखो टिकट काउंटर है, 40 रुपये टिकट फीस लिखी हुई है और 5 साल के बच्चों के लिए फ्री एंट्री है। तो अगर बच्चा 6 साल का हो तो देख लेना क्या करना है। तो भाई चलो मैं तो ले लेता हूँ टिकट, 40 रुपये का है, और फिर चलते हैं अंदर। तो चलो भाई टिकट तो ले लिया, 40 रुपये का था, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, मैंने तो जीपे से कर दिया। अब चलते हैं अंदर। तो देखो भाई जैसे कि अक्सर महोत्सव वगैरह में होता है, ज़्यादातर आपको कपड़े की दुकानें, क्रॉकरी, बहुत सारे मतलब ऐसी चीज़ें दिखती हैं, और एक सेक्शन होता है जिसमें झूले वूले सब लगे होते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो जैसे देख लो कपड़े वगैरह हैं, अब सर्दियाँ आ रही हैं तो ये सब कपड़े मिलेंगे, और जैसे कि बेडशीट्स, कुशन कवर, ये सब जैकेट वैकेट, जीन्स और काफ़ी कुछ, जैसे कारपेट वारपेट भी दिख रहा है, और काफ़ी कुछ है यार। तो अभी तो देखो टाइम कम है, रात का टाइम है, वैसे दिन में भी आ सकते हो, बट असली रौनक तो आपको रात को ही दिखेगी। तो चलो अब चलते हैं, थोड़ा सा और घूमते हैं। तो चलो झूलों वाले सेक्शन में तो बाद में चलेंगे, पहले ये सब दुकानें वगैरह एक्सप्लोर कर लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं आगे। तो देखो ये सब क्रॉकरी वगैरह है, अक्सर महोत्सव वगैरह में यही सब आपको ज़्यादा मिलेगा। और देखो सामने कारपेट वारपेट है, तो यहाँ पे भी ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, शॉपिंग वगैरह करनी हो तो। और भी बहुत कुछ है, ऑलमोस्ट मुझे तो सेम ही लगता है यार, किसी भी महोत्सव में चले जाओ यही चीज़ें बेसिक होती हैं। अब देखो ये सब शॉप्स लगी हुई हैं, बीकानेर का सुप्रसिद्ध होगा, भले ही यूपी का मगर लिखने में क्या जाता है। देखो खाने पीने के भी काफ़ी स्टॉल लगे हुए हैं, वैसे यहाँ पे तो बॉम्बे स्पेशल भेल पूरी वगैरह है, काफ़ी भीड़ है, अमेरिकन भुट्टा। राजस्थान होममेड अचार मुरब्बा, ये भी खा सकते हो भाई। तो देखो जैसे मैंने बोला था कपड़े वगैरह ये सब ज़्यादा आइटम है यार, फैमिली वाली चीज़ें, और हमारे मतलब के तो झूले ही हैं। अभी बड़े नहीं हुए यार इतने, झूले वूले देखूंगा लेकिन हो सकता है बैठूं ना ज़्यादा मैं यार। भाई अचार की दुकान के बगल से निकल जाओगे ना तो इतनी दूर से भी ऐसे अचार की खुशबू आएगी कि मुँह से पानी निकलने लग जाएगा, ऐसा भयंकर फ्लेवर भाई, अगर खुशबू ही ऐसी आ रही है तो खाओगे तो क्या होगा। भाई महोत्सव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, कितना भी घूम लो, और मैं निकल गया था सीधे एंट्री पे, मतलब इतना घूमने के बाद भी पता नहीं चला कि जाना कहाँ है, घूम फिर के एक ही जगह बार बार। स्वागत करती है, आइए
तो देखो भाई कप वगैरह मैंने देखे हैं, मेरे को तो बहुत सही लगे, अब मैं लूँगा, लेकिन थोड़ा घूमने के बाद, वीडियो वगैरह बनाने के बाद। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, इन्जॉय नहीं कर सकते यार। अगर व्लॉग बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो ना, तो बस वीडियो के चक्कर में वही टाइम चला जाता है और आप घूम नहीं सकते ढंग से, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो अब थोड़ा फटाफट जल्दी जल्दी बना लेता हूँ वीडियो और फिर शॉपिंग। झूले चल रहे हैं भाई, वो जो जायंट कोलंबस होता है ना, उसमें लोग बैठ तो जाते हैं, उसके बाद जब वो टॉप में जाता है भाई, अगर आगे बैठे हो गए तो ऐसा लगेगा बस नीचे गिर गए। तो बहुत ही मतलब हार्ट मजबूत होना चाहिए। लोग बैठ तो जाते हैं, उसके बाद चिल्लाते हैं भाई, स्क्रीम करते हैं, तो इसलिए कभी भी बैठो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो सोच समझ के बैठना भाई, उसके बाद वो रुकता नहीं है, जब तक वो पूरा ख़त्म नहीं कर देगा मतलब झूले को, तब तक वो रोकेगा नहीं। तो लो भाई, मद्रासी डोसा, दिल्ली चाट सब यहीं पे है, ओम चाइनीज़ फास्ट फूड सब कुछ, पंजाबी स्पेशल जो खाना हो सब कुछ है। भाई देखो, ये सब दुकानों वगैरह का सेक्शन तो बहुत हो गया, अब झूले की तरफ चलते हैं, तो बहुत सारी दुकानें हैं, अब घूमता ही रहूँगा तो सारा टाइम उसमें वेस्ट हो जाएगा। अब बच्चों को तो झूले ही पसंद आते हैं, वही सेक्शन सबसे बढ़िया है, तो इसलिए यहाँ के बहुत वीडियो हो गए, अब चलते हैं सीधे झूलों की तरफ, और वैसे भी मेरे जस्ट पीछे ही है, तो चलो भाई अब निकलते हैं। एक बार भाई ये जायंट कोलंबस में बैठ गए ना, उसके बाद नो वे बैक, रुकेगा नहीं है, जितना रुको रुको बोलोगे उतना तेज करता रहेगा भाई, पर्सनल एक्सपीरियंस है। वैसे मैं डरता तो नहीं हूँ, लेकिन बैठूंगा नहीं यार, लोग भी कम है और जाना भी है, ऐसा नहीं है कि मैं बहाने बना रहा हूँ, लेकिन भाई मन नहीं कर रहा यार, ज़्यादा लोग होते हैं तब सही लगता है, अकेले दो चार हैं, क्योंकि अब वैसे भी यार अब अगले दिन ड्यूटी व्यूटी सबको जाना होता है, तो फिर अब लोग जाते हैं रात में, फिर चले जाते हैं, ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं रहता, जैसे सुबह आओ दिन में आओ तब थोड़ी सी भीड़ होती है। तो चलो भाई यहाँ का तो काफ़ी हो गया, अब आगे चलते हैं। बहुत बैठा हूँ भाई मैं इसमें, एक पार्क था कैटरपिलर नाम था उस झूले का, ऐसे ही था, तो वो थोड़ा मतलब कैटरपिलर जैसा लगता था, ग्रीन कलर का था और ऐसे हिलते हुए चलता था, बहुत सही। हालांकि यहाँ पे झूले कम है, एक जायंट व्हील है, एक कोलंबस है और एक ये है, उससे ज़्यादा कुछ मतलब वो छोटे छोटे बच्चों का मैनुअल घुमाने वाला वो सब कार वार है, तो ठीक है, लेकिन अच्छा है महोत्सव, ऐसा कोजी सा है, ऐसा बहुत एक्सट्रीम बड़ा नहीं है कि आप कुछ घूम ही ना पाओ, सही है, फिर भी बच्चों के मतलब का है। देखो मेरे बैक साइड में जो है पुलिस सहायता केंद्र भी है और कार्यालय भी है, मतलब ये जो महोत्सव का कार्यालय है, कुछ भी आपको इससे रिलेटेड इश्यूज हो पूछ सकते हो, तो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी सही अरेंजमेंट है, अभी लोग उतने नहीं दिख रहे हैं, कम है, क्योंकि देखो ये जो रास्ता है तो मतलब ये हाईवे टाइप ही है, तो इसलिए इतना बनता नहीं लोगों का यहाँ पर आना, थोड़ा दूर होता या कहीं पर ऐसी रास्ता होता थोड़ा ईजी तो ज़्यादा आते, इस समय थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत है, शादियां भी हो रही हैं, अभी एक रास्ते में बारात थी तो काफ़ी जाम लगा हुआ था, मैं तो खुद पूरा पुल पार करके फिर यू टर्न लेके पुल के नीचे से ऐसे आया हूँ। देखो दो एक गेम्स भी हैं, रिंग वाला गेम है और काफ़ी एक बॉल से जो ग्लास गिराने होते हैं वैसा वाला गेम, और मुझे लग रहा था शूटिंग वाला होगा, वो नहीं है, शूटिंग में तो फिर भी लग जाता है, मगर भाई रिंग वाला तो किसी का लगता नहीं है, क्योंकि वो रिंग का साइज़ ही ऐसा होता है और जो ऑब्जेक्ट पर आपको लगाना है वो बिल्कुल ऐसा होगा कि बस उस पर लगते ही उछल जाता है।
को एक सामने मेरे स्टेज भी लगा हुआ है, हालांकि अभी तो बिल्कुल खाली है, कोई बैठा भी नहीं है, तो हो सकता है कुछ प्रोग्राम्स वगैरह भी होते होंगे, अभी तो कुछ गाना चल रहा है। तो चलो भाई अब देखते हैं आगे क्या है। वैसे मैंने ये देखा है कि ब्लैंकेट्स वगैरह काफ़ी सही है भाई, सर्दियां आ रही हैं, रजाई वगैरह काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। वैसे तो जब आप प्राइस वगैरह डिस्कस करोगे तभी मेन पता चलेगा, बट देखने में और ऐसे टच करने में तो अच्छी लगती हैं, जो थोड़ा सा मतलब बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती हैं, तो आप ले सकते हो वो भी। अब मैंने यार एक कप वाले को प्रॉमिस किया था कि भाई वीडियो बनाने के बाद आऊँगा, तो अब वहीं जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर कुछ सही डील मिल गई। डील क्या यार, जो बोलेंगे वो देना ही पड़ेगा, तो फिर वो लूँगा। अब शॉप तो आ गई है, देखते हैं बात करके। हाँ जी भैया, कैसे दे रहे कप? हरिद्वार के कप हैं। हरिद्वार के कप देख लो, मैंने कहा हरिद्वार का हूँ मैं, तो कह रहे हरिद्वार के कप हैं। हरिद्वार के ही तो चाहिए नहीं। देखो भाई, अगर कुछ खरीदने जा रहे हो ना, अगर वो नहीं चाहिए तो कह दो ये चाहिए, तो कहेगा हाँ ये है, फिर कह दो ना यही तो नहीं चाहिए। देखो भाई, ये सामने कप जो है ना, ये अच्छे लग रहे हैं, कुछ अलग टाइप के। देखो ये अच्छे हैं, हो सकता है आपको ना अच्छे लगे मगर मुझे सही लग रहे थे। देखो ये अच्छी क्वालिटी के हैं, कुछ चीनी मिट्टी कह रहे थे, ओवन वगैरह में भी रख सकते हो। तो भाई देखो, मैंने इनसे बोला था कि सब घूम घाम के आऊँगा लेने, अब ये मुरादाबाद से आए हुए हैं, और भाई मैं हूँ हरिद्वार का, इसलिए थोड़ा सा डीलिंग हो गई अच्छी, सही रेट मिल गया। बताऊंगा नहीं, 12 लिए एक, 12 लिए दूसरा, मतलब 24 पीस लिए। तो आप यहाँ आओगे तो फिर इनसे ले लेना, अगर ये मिल गए तो। आप देखो, दिखा देता हूँ मैं कलर कौन सा है। एक तो ये लग रहा है अच्छा, और दूसरा भी है, उसमें मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, लेकिन ये थोड़ा लाल वाला ये सही लग रहा था, कुछ अलग टाइप का। भाई ये सिर्फ मतलब इनमें से मैंने चुना है, ये मत कहना कि यार ये तो बेकार है। मुझे सही लग रहा है भाई, तो मैं तो ले रहा हूँ, कोई कुछ भी कहे, मुझे तो जो लेना है वो लेना ही है। देखो यार, एक केटल भी पसंद आई थी, ये बहुत अच्छी लग रही थी, वैसे तो ब्राउन कलर की भी है, वो बड़ी है, बट मैंने सोचा यार ये अच्छी लग रही है, तो केटल काफ़ी सही है, तो ये भी ले ली मैंने। रेट नहीं बताऊंगा भाई, आपको यहीं आना पड़ेगा इनके पास। ये भाई अपने ले लो भाई, आप सही लगवा देना भाई सबको। मेरा तो सामान पैक हो गया, देखो ये बॉक्स है ये वाला, इसमें है 24 कप और ये भी, तो तीनों चीज़ें हो गई, मतलब दो टाइप के कप और ये। तो चलो अब चलते हैं आगे। तो चलो भाई, घूम फिर के फिर से उसी जगह वापस आ गया हूँ, तो अब देखता हूँ खाने वाने का, अगर कुछ सही नहीं लगा तो फिर आगे खाऊँगा। बस यही सब थी दुकानें, थोड़े फास्ट फूड वगैरह की, जैसे डोसा हो गया, ये सब साउथ का पंजाबी वाला जो दिखाया था, रेस्टोरेंट टाइप का, रेस्टोरेंट क्या मतलब ओपन स्ट्रीट फूड। और देखो जैकेट्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, कौन ले रहा है अभी जैकेट। तो भाई शॉपिंग तो देखो पूरी हो गई है, केटल भी ले लिए और कप भी ले लिए भाई, 24 कप और केटल, ऐसे शौक शौक में यार, ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो आए तो कुछ तो ले लो, तो मैंने कहा चलो घर के काम ही आएंगे, टूटते फूटते रहते हैं। तो चलो भाई अब इन्जॉय करो, मुझे लगता है आपने इन्जॉय तो किया ही होगा भाई ये महोत्सव, और आना अगर यहाँ पे, अगर आपको टाइम लगे तो। ज़्यादा ये मतलब बहुत दिनों के लिए तो नहीं होता, अलग अलग डेट्स होती हैं, तो कब तक रहेगा, एक्सटेंड कितना होगा, वो तो टाइम ही बताएगा, तो अभी तो फ़िलहाल है। तो भाई इन्जॉय करो, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय।